वंदे मातरम। आज क्लास 12th के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो तुम लोग का यूनिट है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, इस पर डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और बातें क्लास में काफी हुई हैं, लेकिन कुछ एक ब्रीफ और समरी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि अंतराल में इसको मैं सम अप करूं। जो चीजें बुक में दी हुई हैं उस पर तो हम लोग डिस्कशन करेंगे पीडीएफ के थ्रू अभी, बस 2 मिनट बाद। लेकिन उसके पहले कुछ और चीजें मैं कुछ और बातें मैं जरूर करना चाहूंगा तुम लोगों के साथ, जिसमें कि जो कि बहुत जनरल फैक्ट्स हैं और सबको पता होने चाहिए अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो जनरली 1921 में जब दयाराम साहनी ने एक्सकवेशन किया हड़प्पा का, और उसके बाद ये सिविलाइजेशन लाइमलाइट में आई और दुनिया ने जाना कि हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, और शायद हम इस जान पाए अगर डिसाइफर कर पाए हम इसकी लैंग्वेज को। तो लेकिन दरअसल इंडस वैली की जानकारी 1921 में दयाराम साहनी ने नहीं दी थी, इससे काफी पहले 1826 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करते थे, चार्ल्स मेसन। इन्होंने सबसे पहले, ये ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर थे, है ना, ये वो समय था जब हमारे यहाँ ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिपरेशन कर रही थी यहाँ पे रेलवे चलाने की, और उसके लिए रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी कई जगहों पे। उसमें कराची से लाहौर, जो कि उस समय इंडिया का पार्ट था, कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन बिछाते समय मेसन, चार्ल्स मेसन, जो कि नॉर्दर्न पेनिनसुला रेलवे कंपनी, इंडियन नॉर्दर्न पेनिनसुला रेलवे कंपनी में पोस्टेड थे, और इन्होंने वो ट्रैक बिछाने के दौरान ये पाया कि यहाँ जो ईंटें हैं जिनसे मकान वगैरह बने हैं, या जो जनरल ईंटें यहाँ दिखाई दे, ये उस समय कॉमनली यूज जो हो रही थी ईंटें उनसे अलग थी, इनकी शेप एंड साइज, डिजाइन भी और मटेरियल। तो इन्होंने लोगों से पूछा आसपास के कि भाई कैसे तुम लोग ये अलग तरह की ईंटें क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो लोगों ने बताया कि साहब ये हम बनाते नहीं हैं, हमें जब जरूरत होती है तो हम थोड़ा सा जमीन में गड्ढा करते हैं और वहां से हमें जितनी ईंटें चाहिए होती है मिल जाती है, और उससे हम अपना काम करते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ आर्कियोलॉजी, ये आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए थे, और इनको ये बात स्ट्राइक कब, 1826, कि हो सकता है कि यहाँ कोई एक बहुत बड़ी सभ्यता, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन हो। इन्होंने इसकी सूचना आगे भी बढ़ाई, बात बहुत ज्यादा बन नहीं पाई। 1856 में, जस्ट बिफोर द रिपोर्ट ऑफ 1857, इसी रेलवे लाइन को बिछाने के लिए एक वॉर्टन ब्रदर्स ये दो भाई थे, दोनों ही इंजीनियर थे, वॉर्टन ब्रदर्स, इन लोगों ने ये पाया कि ये तो काफी कुछ अलग है यहाँ, केवल ईंटे ही नहीं, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का वेजिटेशन। और जब लोगों से, जैसे कि कोई अगर एक यंग है, कोई जवान है, तो उससे पूछा तो उन्होंने कहा हमारे फादर बता दे साहब कि अगर पानी चाहिए तो वहां मिल जाएगा, ईंटे चाहिए तो यहाँ मिल जाएंगी, इस तरीके से अर्थन वेयर्स बनेंगे, इस तरीके से बीड्स बनेंगे। इनके फादर कहाँ से पता चला? उनके फादर उनसे बताते थे, उनके फादर उनसे बताते थे, एंड सोर्स नहीं पता चल पाया। तो एक कनेक्टिविटी बनती है कि शायद इंडस वैली के जमाने से ही ये सारी बातें चलती आ रही थी, जो कि 1826 या 1856 में सामने है। लेकिन एक बात ये तय हो गई कि यहाँ पे कुछ तो है। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई 1857 के रिपोर्ट के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल आ गया, और ब्रिटिश क्राउन के रूल के दौरान यहाँ पे इंडिया में एक आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म की गई, ASI। इसके फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं कनिंघम, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर में है तुम्हारे। लेकिन जिस समय की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी 1921 की, इस समय यहाँ के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। इनको काफी इंटरेस्ट था,
इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो इन्होंने एक टीम बनाई अपनी, राखन दास बनर्जी, दयाराम साहनी, अमलानंद घोष और भी कई नाम आएंगे इसमें, इन लोगों के साथ। और इन लोगों ने फाइनली धीरे धीरे एक्सकवेट किया, एक साइट के बाद दूसरी साइट, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, और फाइनली इतनी बड़ी सिविलाइजेशन निकल के सामने। दो डिस्प्यूट्स हैं इसमें। पहला ओरिजिन को लेकर कि ये जो लोग हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, फ्रॉम वेयर दे बिलोंग्स एक्चुअली। अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग मत देते हैं, अलग अलग राय देते हैं, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग सबके पैरामीटर्स है। जो सबसे एक्सेप्टेड पैरामीटर है, जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो है मैक्स मूलर की। नाम याद रखिएगा आप लोग, मैक्स मूलर, ये बहुत बड़े हिस्टोरियन है। इन्होंने बताया कि आर्य यानी इंडस वैली के बाद वैदिक एज जो ये आए हैं मिडिल ईस्ट से। अब उस पर बात होगी जब वैदिक एज में बात करेंगे हम लोग तब, कि मिडिल ईस्ट से आए हैं मतलब क्या है सीन। लेकिन मैक्स मूलर ने यह भी क्लियर किया कि आर्यों के पहले जो लोग यहां रहते थे, आर्यों ने उनको डिस्पोज किया, उनको डिपोज किया, उनको उनकी जगह से विस्थापित किया, हटाया। ये बात मैक्स मूलर ने बताई। तो हटाया तो कहां हटाया, कॉन्सेप्ट ये आया कि जो विंध्या रेंज है, जो ऑलमोस्ट इंडिया को बिल्कुल बीच से डिवाइड करती है, इसके साउथ में, जो सदर्न इंडिया की बात हम लोग करते हैं, जनरली सदर्न इंडिया हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाएगा, तो विंध्या के साउथ में सदर्न इंडिया, विंध्या के नॉर्थ में नॉर्दर्न इंडिया। तो वो इंडियंस जो कि साउथ में चले गए, जिनको हम आज साउथ इंडियन कहते हैं, और जिनका कॉम्प्लेक्शन और जिनका रंग रूप थोड़ा सा हमसे अलग है नॉर्थ इंडियन से, वो यहाँ के मेन नेटिव्स। ऐसा एक एक थ्योरी आई, एक कॉन्सेप्ट आया मैक्स मूलर ने दिया। इसके अगेंस्ट भी काफी बातें हुई। मोहनजोदाड़ो एक साइट है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स उसके बारे में, तुम्हारे बुक में है अभी। मोहनजोदाड़ो में एक डेड मैन लेन मिली जिसमें कि ढेरों स्केलेटन्स मिले। जब इन स्केलेटन्स पे स्टडी हुई, जब इन स्केलेटन्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने पढ़ा, समझा, जाना, इस पे स्टडी की, रिसर्च किया, तो इन लोगों ने दे पाया कि इसमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, मंगोलाइट और भी कई स्पीशीज के लोग थे। स्कल जो मिले हैं, जो बोन का स्ट्रक्चर है, ये किसी एक स्पीशीज का नहीं है। तो जनरल थ्योरी ये बनती है कि या तो बाहर से इन्वेजन हुआ, जो यहाँ पे ये मिक्सचर दिखाई दे रहा है, और या यहीं पे अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग प्रजाति के लोग रहे। हम लोग अभी इसी कॉन्सेप्ट को मान के आगे चलेंगे, और फिर जैसे जैसे तुम क्लासेस पढ़ते जाएंगे तुम्हारी, को तुम इसमें और भी चीजें जानोगे। दूसरा टाइम, एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम शुरू होता है 2600 BC से लेके लगभग 1500 BC तक। लेकिन जो मैच्योर इंडस वैली है, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं परिपक्व, जहां पे एकदम ये अपने बूम पे है, जहां पे ये अपने एकदम फ्लरिश कंडीशन में, मैच्योर इंडस वैली, ये समय होता है लगभग 2000 के आसपास शुरू होता है और 1750 के आसपास खत्म, BC। तो जनरली अच्छा 2000 के पीछे का समय जो होगा वो होगा पोस्ट हड़प्पन, और 1750 के बाद वाला जो समय होगा, उल्टा बोल गया मैं, 2000 के पहले वाला जो समय होगा वो होगा प्री हड़प्पन, और 1750 के बाद वाला जो समय होगा वो होगा पोस्ट हड़प्पन। तो अपनी स्टडी के दौरान, अब जब PDF में शेयर करूंगा और आप लोगों से डिस्कस करूंगा आपके चैप्टर के बारे में, तो इन दो तीन चीजों का ख्याल हम लोग रखेंगे कि मैच्योर हड़प्पा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे मैच्योर हड़प्पा, और जब मैच्योर हड़प्पा कहेंगे तो हम समय समझेंगे 2000 से लेकर 1750 के आसपास, और प्री हड़प्पा मतलब 2000 के पहले, और पोस्ट हड़प्पा मतलब 1750 के बाद। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दैट PDF विद यू पीपल, और उस पर फिर डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वही जो मैंने तुम्हें बताया कि टोटल हड़प्पन सिविलाइजेशन का समय जाता है 2600 से लेके 1750 तक, जिसमें कि लेट हड़प्पन जाएगा 1750 से आगे और प्री हड़प्पन जो मैंने बात कही आपसे अभी। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, रोपण, हड़प्पा, ढेर सारी साइट्स हैं यहाँ पे। तुम्हारे समझने वाली बात यह है कि पार्टीशन के बाद जितनी इंपॉर्टेंट साइट्स थी इंडस वैली की, ये सारी चली गई पाकिस्तान में और आज की तारीख में बड़ी ही नेग्लेक्टेड कंडीशन में है वहाँ। इसके पीछे भी कई वजह है, रिलीजियस फैक्टर सबसे ज्यादा है, वो एक इस्लामिक नेशन है और शिव वर्शिप के एविडेंसेस मिलते हैं कहीं ना कहीं इंडस वैली में, ऐसा हिस्टोरियंस का मत है। तो वजह चाहे जो हो, लेकिन फैक्ट ये है कि ये हमारे पास यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत साइट्स बची हैं, बहुत ज्यादा साइट्स नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद और एक्सकेवेशन हुए हैं, उसमें साइट्स आई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे कि हड़प्पा, जैसे कि मोहनजोदड़ो, ये सारे फिलहाल पाकिस्तान में ही हैं। मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी 1875 रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंगहम ऑन हड़प्पन सील्स, सबसे पहले जो ऑफिशियल रिपोर्ट थी वो कनिंगहम ने दी, क्योंकि कनिंगहम ने ही, कनिंगहम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, ये मैंने तुम्हें अभी बताया था। 1924 में जॉन मार्शल ने अनाउंस किया ऑफिशियली कि यस देयर इज अ सिविलाइजेशन, देयर वाज अ सिविलाइजेशन, उस साइट्स आर प्रेजेंट राइट नाउ, और वो देयर अंसानी वगैरह के एक्सकवेशन के बाद। मैंने आपको क्लास में लिस्ट लिखवाई हुई है किस ईयर में किस साइट का एक्सकवेशन किसने किया है। आर्यम व्हीलर ने काफी काम किया है इसमें। आर्यम व्हीलर का सबसे बड़ा रोल ये है कि इसके पहले जो हॉरिजेंटल डिगिंग नहीं हुआ करती थी, वर्टिकल डिगिंग होती थी, तो बहुत से एविडेंसेस छूट जाते थे या बहुत से एविडेंसेस टूट जाते थे उसके खुदाई के दौरान, उसको इन्होंने ठीक किया और हॉरिजेंटल एक्सकवेशन शुरू किया, जिससे कि काफी कुछ चीजें बच पाई। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ द पीपल, उस समय के लोग हंटिंग, गैदरिंग, कल्टीवेशन, पास्टोरलिज्म, इन चीजों पे ही डिपेंडेंसी थी उनकी, और प्लांट्स, फिशिंग, एग्रीकल्चर, और इन सारी चीजों के साथ ये लोग अपने लाइवलीहुड को फिशिंग का बिजनेस और फिशिंग का काम काफी फ्लरिश कंडीशन में था। ये हमें अरेबियन सी से मिले हुए एविडेंसेस से पता चलता है, बोन्स मिले हैं फिशेस के, काफी प्लॉज मिले हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती थी, रिवर था उसकी वजह से पानी की कमी नहीं थी, और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज जो मिली हैं वहां से वो भी काफी गजब थी। शुरुआत में जो ग्रेन्स की फाइंडिंग्स मिली हैं ये बहुत मच्योर ग्रेन्स नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब हम इस मच्योर हड़प्पा की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल हमें मच्योर ग्रेन्स दिखाई देती हैं, जो कि निश्चित रूप से अच्छी तरीके से उगाई गई रही होंगी, उनका ट्रीटमेंट अच्छा किया गया होगा, और एवर बॉल हमें ग्रेनरी मिलती है। ग्रेनरी, देखिए ग्रेनरी क्यों मिलेगी, जब प्रोडक्शन एक्सेस होगा, अगर केवल उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं जितना कि हमें खाना है तो उस फिर ग्रेनरी की जरूरत नहीं है, और लगभग सारे ही बड़ी साइट्स पे ग्रेनरी मिली है, हड़प्पा में भी मिली है, हड़प्पा में तो 6-6 कमरों की कतारें हैं, 12 कमरे हैं आमने सामने, मोहनजोदड़ो में भी मिली है, कालीबंगन में भी मिली है। कालीबंगन से हमें राइस के एविडेंसेस, पैडी मिली है, पैडी समझते हैं धान की भूसी, तो मतलब केवल धान उगाते ही नहीं थे, धान में से चावल निकालना भी जानते थे, और प्लॉट फील्ड मिले हैं कालीबंगन से ही, जिसमें कि रेक्टेंगल पे प्लॉइंग हुई है, मतलब एक साथ दो दो फसलें भी बोई जाती थी, तो समझो ये कोई ऐसा ऐसा सिविलाइजेशन ये काम नहीं कर पाएगा जो टेक्निकली बहुत बैकवर्ड हो, ये लोग टेक्निकली भी बहुत एडवांस थे और चीजों को यूज करना भी जानते थे। चोलिस्तान और बनवाली दो ऐसी जगहें हैं जहां से प्लॉट फील्ड बहुत ज्यादा मिली है, ठीक है, कालीबंगन से फॉरो समझते हैं आप, हल से बनी हुई नालियां, वही जो मैं अभी बता रहा था, रेक्टेंगल पे दूसरे को काटते हुए मिली हैं, और
पैडी भी मिला है, मतलब एग्रीकल्चर अपने पीक पे था, अपने टॉप पे था इंडस वैली के समय में। जो डोमेस्टिकेशन था एनिमल्स का, इसमें कुछ नाम तुम्हें जरूर पता होने चाहिए और तुम्हारे कॉपी में भी नोट होना चाहिए। उसमें फिश अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, गोट, बफेलो, बिग और बियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानवर थे। समझ में आता है कि गोट से शायद दूध निकालते रहे होंगे, बफेलो से भी दूध निकालते रहे होंगे, पिग या तो खाते रहे होंगे या गंदगियों को साफ करने के भी काम आता है। फिर तो चाहे वो काम जो भी करते हो, लेकिन ये बात तय है कि यहाँ पे इन जानवरों का डोमेस्टिकेशन होता था। मोहनजोदाड़ो के बारे में तुम्हें डिटेल से पढ़ना है, थोड़ा सा उसके बारे में देखा जाए। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर पार्ट ऑफ हड़प्पन स्ट्रक्चर इज द लार्ज स्केल टाउन लेआउट। क्लास 11th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है सिटी प्लानिंग का। मेसोपोटामिया में जहाँ सिटी प्लानिंग बिल्कुल नहीं दिखती हमें, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिखाई देता, वहां पे इंडस वैली में एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम दिखता है। और अगर पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो मोहनजोदाड़ो में द बेस्ट, ठीक है, मोहनजोदाड़ो और मोस्ट ऑफ द सिटीज, जनरल बात मैं कर रहा हूँ, दो हिस्सों में बटी होती थी। एक हिस्सा थोड़ा सा माउंटेनियस था और एक हिस्सा नीचे था। जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको कहते थे सीटाडेल और नीचे वाले हिस्से को कहते थे लोअर टाउन। जो एविडेंसेस मिले हैं वो ये बताते हैं कि सीटाडेल मस्ट बी अ रॉयल सेंटर, यहाँ पे रूलिंग क्लास रहा करता होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बर्तन यूटेंसिल्स मिले हैं, यहाँ के जो कपड़े मिले हैं, यहाँ के जो पैलेसेस मिले हैं, वो कंपैरेटिवली काफी कीमती हैं और बड़े। वहीं लोअर टाउन में मकान छोटे हैं, नजदीक बने हुए हैं, हैफजर्ड सेटलमेंट है, प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो ये लगता है कि यहाँ पे कॉमन पीपल रहते रहे होंगे। ध्यान देना ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक कॉमन फीचर है। लेबर वॉज मोबिलाइज एट अ वेरी लार्ज स्केल, इनको मोबिलाइज किया जाता था बहुत ही लार्ज स्केल में, और लेबर होते थे। और ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं कि फादर के बाद उनका लड़का, उनके बाद उनका लड़का, इस तरीके के लेबर्स भी वहां पे दिखाई देते हैं। रोड एंड स्ट्रीट्स इन द लोअर टाउन वर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न समझते हैं 90 डिग्री पे। अगर आप चंडीगढ़ कभी गए हो तो चंडीगढ़ ग्रिड पैटर्न पे बना है, इस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि वो डिजाइन शहर है, वो प्लान शहर है इंडिया का। तो अगर एक बड़ी सड़क बीच से जा रही है, अगल बगल छोटी छोटी पतली पतली सड़कें हैं जो इनको जोड़ती हैं अलग अलग जगहों से, तो अगर आप एरियल व्यू देखेंगे तो ये पूरा एक ग्रिड पैटर्न दिखाई देता है। और इंडस वैली का ये बहुत ही मार्वलस और बहुत ही यूनिक फीचर है। ड्रेनेज सिस्टम मैंने बताया है आपको क्लास में भी कि नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, बारिश शायद जितनी भी हो जाए, इतना एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम है। शायद मॉडर्न एज में भी हम कुछ एक शहरों में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए हैं अभी तक, ये फैक्ट है, जैसा ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय वहां के लोगों ने बनाया था या वहां के लोगों ने उसको यूज किया था। मेन सड़कों के अलावा जो स्ट्रीट्स हैं वहां पे भी ड्रेन्स बने हुए, सोक जार्स बने हुए, घरों से पानी निकला तो स्ट्रीट के ड्रेन में गया, वहां से सोक जार में आया, वहां से फिर मेन सीवर जो उनकी ड्रेन पाइप है या ड्रेन वो बना हुआ है उसमें वो जाके मिल गया। मतलब एक दूसरे से कनेक्टिविटी पूरी तरह से है, घर का वेस्ट वाटर हो या बारिश का पानी हो या जैसा भी पानी हो, वो शहर में लॉग नहीं होगा, ये बात तय है। इतना एक्सीलेंट इनका ड्रेनेज सिस्टम है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। एक चीज और यहां समझने वाली है ड्रेनेज सिस्टम में ही, कि कुछ एक जगहों पे, जैसे कि राखीगढ़ी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, यहां पे ड्रेन को साफ करके रखी हुई गंदगी भी मिली है। समझिए, जैसे आपका मोहल्ला होगा, आपकी कॉलोनी होगी, तो उसमें सड़क के दोनों तरफ नालियां बनी होंगी, कुछ कुछ दिनों पे कुछ लोग आते होंगे और उन नालियों से गंदगी सिल्ट को निकाल के बाहर रख देते, फिर कोई और आएगा उसको किसी गाड़ी वाड़ी में रखेगा लेके चला जाएगा। जब ये सिविलाइजेशन खत्म हुई तो ये शायद इतनी अचानक तरीके से खत्म हुई, अभी हम लोग बात करेंगे, इसे खत्म होने में भी अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यू हैं। शायद कोई फ्लड आ गया, शायद कोई टेक्टोनिक चेंज हो गया, क्लाइमेटिक चेंज हो गया। हर बात के पहले मैं शायद क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हम लोग
प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सॉरी प्रोटो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री क्या है, मैं क्लास बता चुका हूँ, जहां का कोई रिटन एविडेंस नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, जहां का रिटन एविडेंस तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो जब हम रीड नहीं कर पाए हैं इनकी लैंग्वेज को, तो हम बहुत ज्यादा ये बता पाने की कंडीशन में नहीं है कि ऐसा ही होता रहा होगा। हाँ, हम एविडेंसेस को देखे और बाकी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एक कयास लगाते हैं, एक एजम्पशन बनाते हैं कि ऐसा होता रहा होगा। तो चाहे जैसे भी ये सिविलाइजेशन खत्म हुई, लेकिन उन ड्रेन्स को साफ की हुई गंदगी हमें एज इट इज मिली है, ये ध्यान देने वाली बात है। मतलब सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं था, बल्कि उसकी साफ सफाई और उसको उसको देखने वाले लोग भी थे, मतलब केयर टेकर भी थे उस ड्रेनेज सिस्टम के। तो केयर टेकर रहे होंगे तो निश्चित रूप से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहले आता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो है ये सीटाडेल में पाया गया है और मोहनजोदाड़ो में। देखो, कुछ लोग इसको स्विमिंग पूल मानते हैं, ग्रेट बात है क्या, एक वाटर रिजर्वायर, ठीक है, एक पानी का टैंक बड़ा, जिसमें दोनों तरफ से जाने के लिए, नॉर्थ और साउथ में दोनों तरफ से जाने के लिए सीढ़ियां बनी। हो सकता है कि कोई रिचुअल यूज के लिए इसको यूज किया जाता हो सकता है कि रॉयल फैमिली इसमें नहाने आती हो, चाहे वजह जो भी रही हो, लेकिन इस ड्रेनेज, इस ग्रेट बात में ये जो पूल है, ये जो सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे साफ पानी के भरने की व्यवस्था, अगल बगल कुएं बना के वहां से निकाल के साफ पानी इसमें डाला जा रहा है, और पानी जब गंदा हो जा रहा है तो इस पानी के ड्रेनेज की व्यवस्था इतना मैग्निफिशेंट है, इतना जबरदस्त तरीके से किया गया है कि वो आज की तारीख में करना उसका मुश्किल है, उसको आज की तारीख में नहीं करने में समस्या हो सकती है। तो ये देखने वाली बात है, और इसमें जो है हम लोग ग्रेट बात पे ध्यान रखना, इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, और जो इसकी डेप्थनेस है, ये लिखवाया हुआ है आपको क्लास में, अबाउट 14 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर के आसपास है। और ये चीज एक यूनिक फीचर है, सारे हिस्टोरियंस ने इसको यूनिकनेस बताया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, सोसाइटी है तो सोशल डिफरेंसेस भी होंगे, जाहिर सी बात है, कुछ लोग बड़े होंगे, कुछ लोग छोटे होंगे, कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे। तो कैसे पता चलता है सोशल डिफरेंसेस के बारे में, सबसे आसान और सबसे रिलायबल सोर्स है ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स यानी कि जहां पे वो अपनी डेड बॉडीज को दफनाते थे, ये सबसे जो रॉयल फैमिली की डेड बॉडीज थी, इनको बहुत स्टाइलिश तरीके से, अच्छे से, अच्छी जगह पे बरीड किया गया है। जो कॉमन लोग थे इनको अलग तरीके से कर दिया गया है। जो रॉयल फैमिलीज हैं उनके साथ कुछ चीजें, उनके खान पान की, उनके दूसरे जरूरत की चीजें उनके साथ रखी गई हैं, जो कॉमन लोग हैं उनके साथ नहीं रखी गई हैं। इन सब एविडेंसेस से हम सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक कर पाते हैं इस समय। क्राफ्ट प्रोडक्शन, जो रॉ मटेरियल चाहिए था क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, ये अलग अलग जगहों से आता था। जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, तुम जानते हो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे अभी डिस्कस कर लूं मैं, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि इंडस वैली में हुआ। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि एक ट्रेडिशन है कि जो पहली साइट खोजी जाएगी उसी में पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाएगा, और जो पहली साइट खोजी गई वो थी हड़प्पा। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, अक्सर ये मुगालता होता है, कंफ्यूजन होता है कि शायद ब्रॉन्ज का यूज बहुत ज्यादा हुआ था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ब्रॉन्ज का लिमिटेड यूज है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ब्रॉन्ज क्या है, एक अलॉय जो दो मेटल कॉपर और टिन को मिला के बनता है। आप समझिए, हम लोग बात कब की कर रहे हैं, 2750 बीसी की, 2600 बीसी की, 1900 बीसी की, जब साइंस का एस भी नहीं है, मेटलर्जी नहीं है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही। लेकिन उस जमाने के लोगों का ये दिमाग होना कि इस मेटल को और इस मेटल को पिघला के अगर एक कर लिया जाए तो एक ऐसी चीज बन जाएगी जो कि कमाल की होगी, जिससे हम स्कल्पचर बना सकते हैं, जिसको मोल्ड कर सकते हैं, जिसको टिल्ट कर सकते हैं, जिसको फ्लैट कर सकते हैं पीट के, हम उससे कुछ भी चीज कर सकते हैं, और वो रिलायबल भी होगी, ड्यूरेबल भी होगी। तो ब्रॉन्ज का बनाया जाना अपने आप में एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप था, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसमें एक लिस्ट बननी चाहिए कायदे से कि कौन सा मटेरियल कहाँ से आता था। जैसे लैपिस लाजुली बदख्शां अफगानिस्तान से आता था,
कॉपर खेतड़ी राजस्थान से आता था। ये आपको क्लास में पूरी लिस्ट दी हुई है, आप उसको कंसल्ट करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग उसमें बात करेंगे। एक चीज और यहाँ समझने वाली है कि बावजूद इसके कि मेटल्स को पिघला के ब्रॉन्ज बनाया जा रहा है, अलॉय बनाया जा रहा है, लेकिन हमें फर्नेशेज नहीं मिले हैं। बिना भट्टी के तो मेटल पिघलेगा नहीं, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि इनको फर्नेशेज की जरूरत ही नहीं थी। तो चाहे वजह जो भी रही हो, लेकिन ये सही है कि इनकी साइंस, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी। ठीक है, नागेश्वर एंड बालाकोट, ये दो जगहें याद रखने वाली हैं। नागेश्वर एंड बालाकोट ये दो ऐसी जगहें हैं जहां पे शेल यूज के वर्कशॉप्स मिले हैं। शेल शेल के गहने बनते हैं, शेल के आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, शेल का जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है। और बालाकोट और नागेश्वर ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ये मैप में भी मार्क करके रखना चाहिए आपको, और उसको देख के रखना चाहिए कि ये चीज कहाँ पे है। साउथ इंडिया में सुवर्ण रेखा एक रिवर बहती है, और सुवर्ण रेखा रिवर से ही गोल्ड आता था। ठीक है, ये समझने वाली बात है, सुवर्ण रेखा से ही इनके लिए गोल्ड आता था और खेतड़ी राजस्थान से कॉपर आता था। कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, लोथल एक जगह है गुजरात में, लोथल एक साइट है जहां पे डॉक यार्ड मिला। डॉक यार्ड यानी कि बंदरगाह। भोगवा रिवर के बगल में लोथल है, और भोगवा रिवर जाके मिलती है अरेबियन सी। कॉन्सेप्ट ये बनता है कि उस डॉक यार्ड से जो लोथल में है, बड़े बड़े शिप लोड करके भोगवा रिवर के थ्रू ले आते थे अरेबियन सी, और यहां से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। लोथल से हमें मेसोपोटामियन क्वाइंस मिली, लोथल से हमें गिलगेमिश एपिक के एविडेंसेस मिलते हैं, बस समझ आ रही है। और यहाँ की चीजें मेसोपोटामिया से मिलती हैं। यहीं पे एक चीज और देख लिया जाए, तीन प्लेसेस हैं, दिलमुन, मागन, मेलुहा। कई बार बात हुई है इसलिए आप सारे लोग फैमिलियर होंगे इन वर्ड्स के साथ। दिलमुन, मागन और मेलुहा। मेलुहा कहते थे इंडस वैली को, जहाँ पे हड़प्पन कल्चर है। मागन होता था मॉडर्न ओमान, और दिलमुन होता था मॉडर्न बहरीन। देखिए, मेलुहा से शिप निकला मेसोपोटामिया जाने के लिए, मेसोपोटामिया यानी मॉडर्न इराक, और बीच में मागन और दिलमुन ये दो सेंटर्स हैं जहां पे ये स्टे करते थे, इसके एविडेंसेस मिले। अब आप समझिए कि एक शिप जो निकल रही है काफी दूर जाने के लिए, और बीच में कहीं उनका स्टे सेंटर बना हुआ है जहां पे भी उनका बिजनेस है, तो ये छोटी मोटी सिविलाइजेशन तो होगी नहीं। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन होगी कि इस तरह की बातें भी सोच पा रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल कास्टिंग करके, और वो बड़े आराम से अपने काम को करते थे और पैसा कमाते थे, प्रॉस्पेरिटी को अपने पास रखे रहते थे। प्रॉस्परस सिविलाइजेशन भी इनके साथ होती थी। सील यूजेस खूब ज्यादा है, जैसे कि मेसोपोटामिया में है। हमें सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं इंडस वैली से, हमें सर्कुलर सील्स मिली हैं, हमें स्क्वायर शेप में सील्स मिली हैं, और अलग अलग डिजाइन की सील्स मिली हैं। वेट्स अलग अलग 1, 2, 4, 8, 16, 32 बाइनरी सिस्टम में वेट्स मिले हैं हमें, मतलब चीजों को तौलना भी जानते थे ये, चीजों का वेट निकालना भी जानते थे ये। और प्लांट सेटलमेंट्स आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, बिजनेस के थ्रू हमें दिखाई देता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी भी कई जगहों पे एक्सकवेशन चल रहा है, रिसर्चेस चल रहे हैं, और कई जगहों पे अभी भी डिसाइफर करने की कोशिश की जा रही है इनके स्क्रिप्ट्स को, लेकिन वो डिसाइफर हुआ नहीं है अभी तक। ठीक ना, जब वो डिसाइफर हो जाएगा तो शायद और भी काफी चीजें हम जान पाए, हम और भी कई चीजें इनके बारे में समझ पाए। सिविलाइजेशन मैंने तुम्हें अभी बताया कि अचानक से खत्म हुई, और खत्म होने के पीछे वजहें थी। जो मेन वजह कही जाती है वो है क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, अचानक से शिफ्ट कर गई रिवर या सूख गई, इन्वेजन मोस्ट प्रोबेबली बाई आर्यंस। मैंने अभी तुम्हें मैक्स मूलर के बारे में बताया, तो आर्यंस का इन्वेजन हुआ। अब आर्य कहाँ से आए उसके बारे में भी अलग अलग डिस्प्यूट्स है। हड़प्पन स्टेट माइट हैव एंडेड बिकॉज देयर आर एविडेंसेस ऑफ ऑब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्ट। ठीक है, कुछ भी लाइक सील्स, पोएट्री, ये सारी चीजें
वजह चाहे जो रही हो, समझने वाली बात यह है कि सिविलाइजेशन का एंड 1750, यहाँ पे 1800 डेट दी हुई है, लेकिन तुम इसको 1750 टू 1800 मान के चलो के आसपास ये पूरी तरीके से सिविलाइजेशन वैनिश हो गई, खत्म हो गई, और फिर यहाँ पे एक नया कल्चर शुरू हुआ जिसको कि वैदिक कल्चर कहते हैं। एक टॉपिक है जिसको मैंने यहाँ कवर किया है इस पीडीएफ में, कनिंघम एंड हिज कंफ्यूजन, ये तुम्हारे बुक में है, और ये मार्शल, व्हीलर और कनिंघम, चूंकि ये तीनों ही डायरेक्टर जनरल रहे हैं एसआई के कभी ना कभी, तो इसमें समझने वाली बात है, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लिया जाए हम लोग। कनिंघम वॉज द नोन ऑफ फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, क्योंकि पहले डायरेक्टर जनरल थे उसके एएसआई के लिए। He began archaeological excavation in mid-19th century. His main interest was in the archaeology of early history from 6th century BC to 4th century CE. 6th century BC का समय वो होता है जबकि तुम्हारे यहाँ इंडिया में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिखाई देता है। 16 महाजनपद वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग, वो बनते हैं, एक रूलिंग क्लास दिखाई देता है, किताबें काफी लिखी गई, कोडिफाई की गई, जो पहले से केवल वर्बल फॉर्म में चली आ रही थी। तो कनिंघम के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये 6th सेंचुरी बीसी के पहले के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे, तो जो भी एविडेंसेस मिल रहे थे उनको कनिंघम इन्हीं इसी समय में, इसी टाइम इंटरवल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बिटवीन 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी सी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ही यूज्ड द अकाउंट ऑफ लेफ्ट बाय चाइनीज पिलग्रिमेज हु हैड विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 4th एंड 7th सेंचुरी सी। ही ऑल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसलेशन इंस्क्रिप्शंस found during his surveys. Site like Harappa did not fit well in his area of investigation. ये हड़प्पा में इतना ज्यादा जो डेवलपमेंट देखा तो वो कंफ्यूज हो गए कनिंघम की ये इस समय का तो नहीं है और उसके पहले वो जाना नहीं चाह रहे थे। Although Harappan artifacts were found during 19th century and some of these reached Cunningham, but he did not realize how old these were as they were not part of the itinerary history of India. क्योंकि वो जोड़ नहीं पाए, मतलब वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, समझ में आ रही बात है। मार्शल और व्हीलर बाद में आए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है, इन दोनों ही लोगों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में लगभग एक जैसी सील्स मिली। इस फाइंडिंग के आधार पर सील्स के अलावा और भी चीजें मिली थी। 1924 में जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड। दुनिया के सामने उन्होंने ये आर्टिकल रखा, अपनी बात रखी, यहाँ पे एक नई सिविलाइजेशन मिली है। मार्शल टेंटेड टू एक्सकवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजेंटल यूनिट्स मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट, इग्नोरिंग स्टैटिग्राफी ऑफ द साइट। वही जो बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई तुम्हें कि जो वर्टिकल डिगिंग होती थी उसको उन्होंने हॉरिजेंटल बनाया, जिसकी वजह से एक्सकवेशन आसान हुआ और मीनिंगफुल। जो आर्टिफैक्ट रिकवर्ड किए मार्शल ने, उनको एक साथ ग्रुप करके जब देखा गया तो ये बात समझ में आई कि जो स्टैटिग्राफी, मिट्टी के जो लेयर थे, वो डे बाय डे इंक्रीज होती गई। जैसे जो काफी नीचे डिगिंग हुई है, काफी नीचे खुदाई हुई है, वहां पे रॉ मामला ज्यादा है, रॉ मटेरियल ज्यादा है, वो फिनिश्ड गुड्स नहीं मिले। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आते गए, समय बीतता गया, मैच्योर हड़प्पा की तरफ आते गए, वैसे वैसे हमें बहुत ही फिनिश्ड गुड्स दिखने लगे, बहुत ही अच्छे गुड्स दिखने लगे। ये डेवलपमेंट दिखाई दी, मार्शल ने इसको फाइंड आउट किया और इसको दुनिया के सामने रखा, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज फाइंडिंग्स वाज इरेवोकेबली लॉस्ट। जब मार्शल के आने के पहले जो फाइंडिंग्स थी वो खत्म हो गई थी, उनको बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं किया जा सका, बचाया नहीं जा सका। व्हीलर रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, ही रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वॉज रिलेटेड टू समवेयर विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक अलग टॉपिक है ये बच्चों, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा। मैंने तुम्हें अभी बताया कि पाकिस्तान में जो साइट्स चली गई वो आज की तारीख में नेग्लेक्टेड है, बहुत ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। उसके पीछे एक वजह ये भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को में शिव वर्शिप और इससे रिलेटेड चीजें ज्यादा दी गई हैं, ज्यादा बताई गई हैं। बीड्स के बारे में है, प्रीस्ट किंग मिला है, मदर गॉडेस की बात हुई है, और कहीं से भी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री से मेल नहीं खा रहा। वहां पे हिस्ट्री काफी बाद में शुरू होती है, 712 वगैरह के बाद, 712 BCE के बाद वो शुरू करते हैं अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाना, तो इस वजह से वो इसको नेग्लेक्टेड फॉर्म में ही रखे काफी हद तक। जो प्रॉब्लम आई
आर्कियोलॉजिस्ट के सामने कि वहां पे रिलीजन था कि नहीं, और रिलीजन था तो कौन सा था, इसमें कुछ बातें समझने वाली हैं। जैसे अभी ग्रेट बाथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो कुछ हिस्टोरियंस ने ये भी बताया कि एक रिचुअल है। एक प्रीस्ट किंग का स्कल्पचर मिला है, एक योगी के मुद्रा में बैठे हुए एक पुरुष का स्कल्पचर मिला है, ऐसा माना जाता है कि ये प्रीस्ट रहे होंगे। एक मदर गॉडेस की सील मिली है, जिसमें एक लेडी है और उसको मदर गॉडेस इसलिए कहा गया है फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि उसके शरीर से पौधों को निकलते हुए दिखाया गया है। पशुपति सील मिली है, एक सील ऐसी है जिसपे कि एक इंसान, एक पुरुष की आकृति, एक मेल फिगर ड्रॉ किया हुआ है, जिसके अगल बगल कुछ जानवर बैठे हुए, जोड़ने पे ऐसा लगता है कि ये पशुपति या शिव है। तो मैंने पहले कहा तुमसे कि प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, रिलीजन था ये बात समझ में आती है, रिचुअल्स भी थे ये बात भी समझ में आती है, लेकिन ये रिलीजन या ये रिचुअल्स किस रिलीजन के थे, इसमें क्या बातें थी, ये हम नहीं कह सकते, बताया ही नहीं जा सकता। तो डिस्कशन डिबेट का टॉपिक है ये, समझने वाली बात ये है। तो आर्कियोलॉजिस्ट के सामने रिलीजन को लेके एक ठीक ठाक डिस्कशन है, एक ठीक ठाक बहस है कि एक्चुअली ये जो भी रिलीजन था ये कौन सा रिलीजन था और इसको क्या नाम दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन पीपल, द डिस्कवरी ऑफ पॉट्स, कॉन्स, बीड्स एक्सेट्रा इन द हड़प्पन साइट्स एंड देयर ग्रेव्स प्रोवाइड इनॉर्मस इंफॉर्मेशन। ट्रेसेस ऑफ कॉटन एंड ड्रेसेस डिपिक्टेड ऑन सील्स एंड स्कल्पचर गिव अस एन आइडिया अबाउट द ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ हड़प्पन। The terracotta figurine of women indicate the worship of mother goddess, abhi maine tumhe bataya. Plant of seem to suggest the practice of nature worship, agar mother goddess maine tumhe bataya uske sharir se paudhe nikal rahe the to matlab nature worship bhi thi. Conical stone now indicate the linga worship, shivling ka concept mila agar usko shivling mana jaye to, kyunki conical structures kai mile hain aise. In some seals of figure shown seated cross-legged yogic posture sometimes surrounded by animals has been regarded as the depiction of proto-Shiva, that is an early form of one of the major deities of Hinduism. भाई जो जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई वो सारी यहाँ लिखी हुई हैं, इसको नोट्स के फॉर्म में भी तुम लोग अपने पास रख सकते हो और इससे रिवीजन के लिए और बाकी चीजों के ये काम आएगा। वन मार्क क्वेश्चन क्लास ट्वेल्थ के लिए सबसे स्लीपरी होता है, मेरी बात खूब ध्यान से सुनना। एग्जाम में वो जो 40 क्वेश्चन, अब पहले 20 क्वेश्चन आते थे, अब 40 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे वन मार्क के, अगर ये संभल गए तो 100 में 100 पाया जा सकता है। लॉन्ग आंसर्स कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो लिख लोगे, लेकिन यहाँ पे या तो चीजें आएंगी या तो नहीं आएंगी, और इसीलिए ये कीवर्ड्स मैंने डाला हुआ है यहाँ। सारे कीवर्ड्स सारे ही चैप्टर्स के तुम्हें क्लियर करने हैं, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो सामने तुम्हारे इस पीडीएफ फॉर्म में रखे हुए हैं। कोर्स है स्टेटिग्राफी, लिंगा, श्रमंस, अनक्वाडल स्कर्ल, करी स्टोन्स, चर्ट, जो भी है, और इसको रीड कर लेना है और इसको याद कर लेना है बहुत कम समय में, बहुत ही समराइज फॉर्म में। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे की 8-10 लेक्चर्स में बात की जा सकती है, लेकिन केवल एक ब्रीफिंग के साथ, केवल एक समरी के साथ मैंने इस चैप्टर को तुम्हें बताया, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू पीपल कैन कॉल मी और मैसेज मी एनी टाइम, एनी कंफर्टेबल टाइम, एंड क्लास में जब मिलेंगे तो भी इस टॉपिक पे चर्चा जरूर, ठीक है। अगले बार मैं दूसरे थीम के साथ, दूसरे यूनिट के साथ अपना वीडियो लेकर तुम लोग के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।